हम लोग को इंडोर्समेंट नहीं देने से पहले जो जिसका कंप्लेन ऑफिशियली रिकॉर्ड दे दे रिपोर्ट दे दे रिसीव दे उनको ही हम लोग केवल इंटरटेन किया। अभी बीच में कुछ कुछ सुना है, थोड़ा सा कोई इश्यूज आ रहे बोलते हैं, लेकिन हम लोग वी आर नॉट इंटरटेनिंग दैट। कि पाकिस्तान के ऊपर में जो हमारा आउट गोइंग प्रेसिडेंट ने एक वहाँ का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को एनटीएनसी जो उन्होंने एक लेटर इशू किया है उसको इस 16 आंसू कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन के ऊपर में लेके हमारा जो एक एक्सरसाइज रहा है कल करीब से आज मिला के 6 दिन तक हम लोगों ने बहुत हमारा टीम बहुत कोशिश किया मेहनत किया दिन रात नहीं सोके उसका नतीजा आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और इस कार्य में हमने हमारा जो डिफरेंट हमारा जो आंसू का डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लस BSU और हमारा आंसू का एस्पिरेंट कैंडिडेट लोगों को भी हमने इस मीटिंग हॉल में बुलाया, उनके साथ हमारा बातचीत हुआ। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमारा जो 16th आंसू कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन पीसफुल और प्रीपेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, इसके चलते हमारा जो हमारा फॉर्मर आंसू लीडर्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इनका जो एक पीसफुली हमारा जो आने वाला चुनाव हो, और उसके लिए हमारा जो नसी इलीट सोसाइटी ने हम लोगों को इंडोर्स किया था 6 days बैक। तो आज हमारा जो सिटिंग करीब करीब हम लोग ये मिला के करीब करीब 16th हमारा मीटिंग सिटिंग हुआ है, और आपके द्वारा हमने बहुत प्रेस वार्तालाप में बताया कि हमने कोशिश जारी किया और डे वन से लेकर आज लास्ट दिन तक हमने कोशिश किया है। तो इसमें हमारा जो रिकमेंडेशन है हमारा प्रेसिडेंट आंसू को हमारा फाल्क की तरफ से, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने निसी हित में हमारा निसी समाज के इंटरेस्ट में लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द निसी कम्युनिटी के लिए हमने जो भी एक्सरसाइज किया है हम लोगों ने कोशिश किया कि किसी को भी हार्ट ना हो। और इस रिकमेंडेशन में हमने टॉप प्रायोरिटी निसी के इंटरेस्ट में लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द निसी कम्युनिटी और निसी स्टूडेंट यूनियन के लिए हमने जो कोशिश किया है ये 6 days का हमारा एक्सरसाइज में आज का आपके सामने मेरा जो रखना है। थोड़ा पहले हमारा जो मेंबर्स आंसू प्रेसिडेंट नाबुम दोदुम जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट उनको हम लोग ने सबमिट किया है, इस सबमिशन में हमने 3 पॉइंट खास तौर पर हम रखा है, जिसमें नंबर 1 जो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में BSU है नंबर 1, इसको भी हमने इस रिकमेंडेशन में हमने क्लियर कट बना के दिया है उनको। और नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट है जो महत्व वाला है, इसमें हमने इनको सबमिट किया है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को हमने उनको भी बदलाव करने के लिए उसको पहले जो बनाया उनको रिकॉन्सिडर करने के लिए। और नंबर 3 में जो इनरोलमेंट कमिटी है सारा प्रक्रिया हमारा जो पाल्प ने परमा आंसुलेटर फोरम ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसको अमल करने के लिए हमने उनको सुझाव दिया है। और साथ साथ हमारा जो उद्देश्य है मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये चुनाव आंसू का जो 16th कॉन्फ्रेंस और इलेक्शन जो है शांतिपूर्वक हो, और इसमें किसी हमारा स्टूडेंट के बीच में कहीं का भी हो, कोई से आपका BSU का हो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का भी हो, इनको सबको बराबर का हक मिले, कहीं भी डिस्पेरिटी रीजन क्लान बेस इस तरह का चीज़ को आप लोगों ने इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है। और ये 6 दिन के दौरान आप लोगों ने सब लोगों को सब स्टेक होल्डर के साथ बात किया, एस्पिरेंट के साथ हमारा प्रेसिडेंट के साथ हमने इसको चर्चा किया है। और साथ साथ इसमें एडिशन इस दौरान हमने ये भी रखा है कि पाकिस्तान के ऊपर में जो हमारा आउट गोइंग प्रेसिडेंट ने एक वहाँ का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को NTNC जो उन्होंने एक लेटर इशू किया है उसको इस रिकमेंडेशन के साथ, और दोनों NTNC का जो ये लेटर जो है हम उसको रिवोक करने के लिए साथ ये लेटर के साथ साथ उनको हमारा अपील है। और ख़ास करके नंबर इसके साथ हमने कोशिश भी किया है कि सारा जो प्रक्रिया है हमारा जो एक्सरसाइज है ये
फॉर्मर आंसु लीडर्स का जो फोरम के द्वारा जितना तक हम लोग कर सका किया है, इसके बावजूद अगर कहीं पर भी अगर भूल चुका है, मैं इन लोगों को बताना चाहूँगा हमने जो भी कोशिश किया है। ये आंसु का जो हमारा जो लिगेसी है, हमने जो समाज के ऊपर में सबसे जो पैरामाउंट इम्पोर्टेंट है उनको रख के हमने ये रिकमेंडेशन दिया है। मैं विश्वास करता हूँ हमारा जो भी निजी समाज में हमारा जो सोशल लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स या समाज का जो भी सीनियर मेंबर्स है, ये सबका इच्छा है कि ये 16th आंसू का जो कन्फ्रेंस और इलेक्शन जो है ये पीसफुल शांतिपूर्वक हो। तो ये तीन, जैसे आपको तीन जो बोन ऑफ कॉन्टेंशन जो हम लोग आइडेंटिफाई किया, काफ़ी सारे कंप्लेंट्स है, लेकिन जो जो कंप्लेंट्स हम लोगों को लगा कि जो जो कंप्लेंट्स इतना मेरिट नहीं है, तो हम लोग उनको इंटरटेन नहीं किया। तो मोटे तौर पे अभी तीन है। जैसे आप BSU का बात किया, BSU इशू में, BSU मीन्स ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, इसमें दो इशूज है, बाकी को छोड़ के बाकी जो कंप्लेंट था, लेकिन हम लोगों ने पूरा सलाह मशवरा करके स्टडी रिसर्च करने के बाद दो मेन जो मेजर इशूज मिले हैं, जहां हम लोग को लगा ना कि हम लोग को लगा कि वहाँ इंटरफेयर करना है। एक है ओल्ड पालिंग चंबंग गंगते यंगते तारक लंगी स्टूडेंट यूनियन, तो उसमें हम लोगों ने लास्टली फाइंडिंग्स ऐसे मिला है कि वहाँ में थोड़ा सा जो भी लूप होल्स हुआ होगा वो उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि जो अभी एग्जिस्टिंग रई तहा का नाम जो एक वहाँ से एक फैक्शंस है, फैक्शन BSU का एक फैक्शन है, तो उनको कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने उनको थोड़ा स्टे दे रखा हुआ है, तो इसलिए उसी कोर्ट के जजमेंट पे हम लोग अभी जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये रिकमेंड किया कि रई तहा का जो ग्रुप को है, फैक्शन को है, उसको इस कॉन्फ्रेंस में ऑनर किया जाएंगे, वो हम लोगों ने आंसू प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन किया। दूसरा पॉइंट है पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट का जो BSU है, पाकी केसंग में एक डिस्ट्रिक्ट आप सबको पता है, उसमें तीन BSU है, तो उसी तीन BSU में दो दो फैक्शन करके 6 BSU बना कर रखा है। हम लोगों ने पूरा रिसर्च जांच पटल सारे अंगों से, हर तरह से, हर किस्म के लोगों से, इंटेलेक्चुअल से, सिविल सोसाइटी से, एस्पायरिंग कैंडिडेट से, BSU रिप्रेजेंटेटिव से, आंसू आउटगोइंग प्रेसिडेंट से, आंसू आउटगोइंग एजुकेटिव मेंबर से, इलेक्शन इनरोलमेंट कमिटी, सब एंगल से हम लोग ने पूछताछ किया, सारा लोगों को बात किया, और फॉर्मर जो आंसू लीडर्स फोरम का जितना मेम्बरशिप जो यहाँ अटेंड है, जो अटेंड नहीं है, उन सब से हम लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आंसू कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे है, तो पुराना आंसू कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करके लास्ट आंसू कॉन्स्टिट्यूशन बुक को कैसे यूज़ किया, अभी न्यू आंसू कॉन्स्टिट्यूशन बुक को कैसे यूज़ किया, उसको हम लोग ने पूरा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद हम लोग को ये पाया गया कि जितना भी तीन BSU का जितना 6 फैक्शंस है, सब अपना अपना तरीका से, जिस तरह से फॉर्मेशन किया, जिस तरह से उन्होंने आंसू प्रेसिडेंट से अप्रूवल लिया, कुछ लोग अप्रूवल नहीं लिया, उसमें हम लोग ने पूरा दिखने के बाद ये हम लोग फैसला किया है कि उनका जो प्रोसीड्यूरल लैप्सेस है दोनों में से, ऑल द 6 फैक्शन है डियर प्रोसीड्यूरल लैप्सेस जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको किसको रिकॉग्नाइज करना, किसको रिकॉग्नाइज नहीं करना, वो नेक्स्ट आंसू टीम के ऊपर में छोड़ा है। इसलिए इसी दौरान में इसे लोकल अरेंजमेंट की तरह का 1 टाइम रिलैक्सेशन करके, इस वक्त जो आंसू कॉन्फ्रेंस, जो आने वाला आंसू कॉन्फ्रेंस में, जो वहाँ का जितना भी स्कूल लेवल स्टूडेंट है, स्कूल लेवल डेलीगेट्स है, उनको पाकी केसंग इंटेलेक्चुअल फोरम, वहाँ का एक सिविल सोसाइटी, बहुत अच्छा एक रिप्यूटेड सोसाइटी है, पेडेंट बॉडी है, तो उनको हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि जो भी स्टूडेंट पाकी केसंग से आना चाहते हैं, वो डेलीगेट आना चाहते हैं, जो पाकी केसंग इंटेलेक्चुअल फोरम का तहत आएंगे, तो उन लोग वहाँ से इनको लेके आना, इनको वहाँ फिर छोड़ना, तो पाकी केसंग इंटेलेक्चुअल फोरम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। दूसरा चीज़ है इसमें और एक इशूज़ है, जैसे पाकी केसंग जितना BSU में से, ऑल BSU में दो दो फैक्शंस है, दो दो, जैसे पालिन चमन का भी दो दो फैक्शंस है, पाकी केसंग का भी, दूसरा जो भी फैक्शंस है, जो भी BSU कैंडिडेट को BSU से रिकमेंडेशंस लेना पड़ता है, जो BSU रिकमेंड करेगा वो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया, क्योंकि पूरा इसको भी हम लोग पूरा दिन रात, आज भी रात 12 बजे तक हम लोग ने बैठा,
तो ये देखा कि जो जो कैंडिडेट किसको लीगलाइज किया नहीं लीगलाइज किया वो बात करवाई, लेकिन जिस जिस फैक्शंस ने जो कैंडिडेट उन्होंने रिकमेंड किया है वो अपना अपना लेवल में बहुत सारा होमवर्क कर चुका है, तो उनको हम यहाँ कैंडिडेट करने के लिए मौका नहीं देंगे, तो उन उस कैंडिडेट पर अन्याय होगा ऐसे लगा है। तो इसलिए वो वोटिंग राइट उनका पास इनरोलमेंट हेतु है, नहीं तो वोटिंग राइट ना देते हुए जिसका इनरोलमेंट नहीं है ना देते हुए उनको चुनाव में लड़ने के लिए हम लोग ने वो मौका देने के लिए हम लोग आंसू प्रेसिडेंट को वो रिकमेंडेशन दिया है, जो भी फैक्शंस जो बीएसयू लोगों का। और ये हम लोगों ने एक इसके टाइमलाइन लिया है, जो बीएसयू प्रेसिडेंट्स बीएसयू कमिटीज जो हम लोगों को निसी इली सोसाइटी ने फॉर्मर आंसू लीडर्स फोरम को जो इस आंसू कॉन्फ्रेंस जनरल कॉन्फ्रेंस का मॉडल को वर्कआउट करने के लिए हम लोग को इंडोर्समेंट नहीं देने से पहले जो जिसका कंप्लेन ऑफिशियली रिकॉर्ड दे दे रिपोर्ट दे दे रिसीव दे उनको ही हम लोग केवल इंटरटेन किया। अभी बीच में कुछ कुछ सुना है थोड़ा सा कोई इश्यूज आ रहे बोलते हैं, लेकिन हम लोग वी आर नॉट इंटरटेनिंग दैट। जो हमको फॉर्मेशन होने से पहले जो इश्यूज आपरूतित बाहर में निकला केवल उन्हीं को ही हम इंटरटेन कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट हमारे बच्चे पढ़ाई से कम करके इस तरह के एक्टिविटीज़ को ज़्यादा हो रहे, इसका बारे में हम लोगों ने काफ़ी निसी इली सोसाइटी से भी हम लोग ने डिस्कस किया, और हम लोग सब सारा फॉर्मर आंसू लीडर्स फोरम हम इसको लेके बहुत चिंतित है। इसके लिए हम कुछ अच्छे वक्त मिलेंगे तो स्टूडेंट से दरख्वास्त करूँगा कि, और अभी भी बोलता हूँ जो भी स्टूडेंट है जो केवल डेलीगेट्स है इतना हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं, आप मेंबर ये जो डेलीगेट रजिस्टर कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए, केवल एक दिन तो आपको आके वोटिंग करना है। इसलिए सारा निसी स्टूडेंट जो भी है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब पढ़ाई भी दें इसमें भी ध्यान दें, लेकिन इससे ज़्यादा आप लोग पढ़ाई में ध्यान दें। इसलिए हम लोग ने बहुत सारा कैंडिडेट ने टाइम फ्रेम मांगा है कि जो लास्ट जो हम लोग इस ये मॉडलिटीज वर्क करते वक्त में बहुत सारा टाइम उन्होंने आप लोगों ने ले लिया, इस तरह से बहुत सारा रिक्वेस्ट आए। लेकिन हम लोगों ने एक और सुझाव दिया है आंसू प्रेसिडेंट को कि जिस तरह से लास्ट टाइम का जो आंसू प्रेसिडेंट जो उनका ये जो टाइमलाइन था कि 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक करना है, तो इसमें हम लोगों ने बाकी सारा ये जो एस्पायरेंट ने हम लोग को गुजारिश किया और लोगों ने बहुत सारा लोगों ने डेलीगेट्स लोगों ने भी गुजारिश किया रिक्वेस्ट किया कि इसलिए हम जो लास्ट 2 अक्टूबर में सॉरी 2 नवंबर में होना था उसमें हम लोग फर्दर 9 डेज का वो हम लोग ने एक्सटेंशन कर सकता है, इस तरह से हम लोग आंसू प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया है। बट इट इज़ एट द प्रेरोगेटिव ऑफ आंसू प्रेसिडेंट वेदर दे विल बी एबल टू कंडक्ट दिस कॉन्फ्रेंस बिफोर दिस ऑल्सो, इट्स बेटर एंड गुड इफ दे कैन कंडक्ट दिस इंटर कॉन्फ्रेंस बिफोर दिस 9 डेज एक्सटेंशन पीरियड इज पल फेज। बीएसयू का बारे पब्लिकेशन का बारे जब बोलेगा तो सर अभी इस बार पब्लिकेशन का 3 बीएसयू जो पहुंच गया था तो उन लोग पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस जनरल इलेक्शन में। बीएसयू दे उन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिकॉज मैं हम लोगों ने बोल आप लोगों को बताया कि उनका बीएसयूज का फॉर्मेशन में बहुत सारा प्रोसीडरल लैप्सेस है। The way they form the BSUs were not according in accordance with the constitutions of either APSU or either in ANSU. That's why हम लोगों ने बोला है, हम लोगों ने निर्णय सब ने सारा पल्फ मेंबर्स ने सबको कंसल्टेशन हर सेक्टर के क्षेत्र के लोगों को कंसल्टेशन करने के बाद हम लोगों ने ये कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ये निर्णय लिया कि नेक्स्ट ANSU कमिटीज नेक्स्ट ANSU टर्म इनकम्बेंट जो आएंगे इस चुनाव के बाद वो जो रिकोगनाइज करेंगे कौन जेन्यून BSU होंगे या नया बनाएंगे। टिल न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफिशियल BSU तब तक पाकि के संग इंटेलेक्चुअल फोरम डेलीगेट्स लाने जाने में सहयोग करेंगे। सर उन लोगों का कहना था कि आपने जैसे कि तेदिव स्टेची उसमें अंशु BSU का पाकि के संग का वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहा तो उसके चलते जो है जेन्युइनली मतलब ऑफिशियली जो है 3 BSU फॉर्म किया गया था वो सी we don't want to explain much about the in context of the constitutions book of ONC student because we have gone through in detail how they have formed, what were their demerits, where their lacunas were, we found lapses, wo bahut lamba cases ho jayenge, so we don't want to go in detail into it, so jo recommendation jaise hum log ne diya wo aapko bataya।